हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे आप लोग, आशा है सभी लोग ठीक होंगे। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने रेल भैया के बारे में कि इनका क्या सीन रहा है, अभी तक ज्वाइनिंग हुआ है कि नहीं, ज्वाइन हुआ है तो कहाँ हुआ है, किस जोन में अभी जॉब कर रहे हैं, किस पोस्ट पे ज्वाइन किए हैं, या ज्वाइनिंग नहीं हुआ तो किस कारण से ज्वाइनिंग नहीं हुआ, सारा डिटेल बात करेंगे। क्योंकि एक वीडियो हम डाले थे जिनमें आप लोगों को बताया थी कि इनका रेलवे ग्रुप डी 2018 का वैकेंसी जिसमें मेरा कुछ सिलेक्शन हुआ था और जिसमें हम जॉब कर रहे थे 4 साल से, उनमें भी इनका सिलेक्शन हुआ था और उनका फिजिकल नहीं हो पाया था 2018 वाली वैकेंसी में, ठीक है। उनका फिजिकल नहीं हो पाया था मार्च में 2019 में, जो फिजिकल था और मेरा फिजिकल हो गया था, इसलिए मेरा सिलेक्शन हो गया और हम 4 साल से जॉब कर रहे थे और इनका सिलेक्शन ग्रुप डी में 2018 वाली वैकेंसी में नहीं हो पाया था। फिर क्या हुआ कि 2019 वाली वैकेंसी में भी इनका सिलेक्शन हुआ था, 81 मार्क्स था ग्रुप डी में, ठीक है, 100 में से 81 मार्क्स था, लेकिन फिर भी उनका जो है सो सिलेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि 4 मिनट 15 सेकेंड का पूरे टाइमिंग रहता है, तो 4 मिनट 15 सेकेंड में इनका कंप्लीट हो गया रनिंग। और कितना ज्यादा लग गया, इनका रनिंग कंप्लीट हुआ 4 मिनट 15 सेकेंड.4, मतलब कि समझ रहे हैं 0.4 सेकेंड, 1 सेकेंड का मात्र चारवां भाग में इनका सिलेक्शन रुक गया। फिर उनका जो 2019 में जो वैकेंसी निकली थी उसमें उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, 2019 वाली वैकेंसी में भी रेलवे ग्रुप डी में नहीं हो पाया। फाइनली जाके जो है इनका जो एनटीपीसी का वैकेंसी था उसमें जाके 3rd डिवी में, ठीक है, लेवल 3 में हुआ था। उस टाइम में इनका ग्रेजुएशन कम्प्लीट नहीं हुआ था तो 12th लेवल पे एनटीपीसी का जो है सो फॉर्म डाले थे, ठीक है, RRB बेंगलोर से, ठीक है। तो उनका अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ है और इनसे ही बात करेंगे कि क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमको भी उतना आइडिया नहीं है, ठीक है। बारे में आप कुछ बताइए कि आपका क्या सीन रहा। मेरा ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुआ है, जो कि पैनल निकला हुआ 6 महीना से ऊपर हो गया, 6 जून को 3rd पैनल निकला था लेवल 3 के लिए, और इसमें लेवल 3 के लिए बेंगलोर जोन से, जो कि अभी तक नहीं हुआ है ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग लेट हो रहा है क्योंकि इसमें बता रहा है जो ज्वाइनिंग मतलब सीट ही नहीं है, बेंगलोर जोन में सीट ही नहीं है लेवल 3 के लिए, ऐसा कुछ बताया जा रहा है वहाँ पे। तो डायवर्जन के का बात अभी चल रहा है वहाँ पे, जो कि डायवर्जन के लिए हम लोग को मेल आया है। डायवर्जन क्या होता है पहले बता दीजिए। डायवर्जन मतलब बेंगलोर जोन में जो सीट नहीं है ना, उसको जितनों को पैनल किया गया है, पैनल किया गया है जो भी स्टूडेंट्स को क्वालिफाई किए हैं, तो उस सबको दूसरे जोन में डायवर्जन की मतलब उसको जॉब दिया जाएगा दूसरे जोन में। मतलब कि हम आप लोगों को बता दें क्लियर कट की क्या सीन रहा कि 509 वैकेंसी था कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जो लेवल 3 का पोस्ट था उसमें 509 वैकेंसी था, ठीक है, बेंगलोर जोन से। और उसमें क्या हुआ कि एक्चुअल में उतना खाली था नहीं, वो लोग मंगवा लिया इतना सीट खाली, या सबका जो है सो पैनल निकलवा के दिया, बाद में उसका ज्वाइनिंग नहीं हो रहा था क्योंकि एक्चुअल में सीट उतना खाली था ही नहीं। तो फिर क्या हुआ कि 6 महीना 7 महीना हो गया, जून में ही इनका पैनल आया था, अभी तक उनको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया गया नहीं। बहुत सारे और भी ऐसा कैंडिडेट होंगे जो कि देख रहे होंगे इस वीडियो को और उनका पैनल आया, नाम आया होगा, लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ होगा। तो जब हम कॉल किए, हम खुद कॉल किए थे उनके पर्सनल PCPO को, मतलब प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर को, और उनसे हमको बात हुआ था बेंगलोर के, ठीक है। तो वो बोले थे कि भाई अभी मतलब वैकेंसी खाली नहीं है इसलिए टाइम लगेगा। हम बोले कितना, तो बोले पता नहीं, कैसे पता चलेगा, तो बोले कि मतलब वेट करना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। तो बस यही सीन था। बाकी बाद में जाके ये लोग प्रोटेस्ट किए दिल्ली में जाके, ठीक है, वहां पे पता नहीं क्या हुआ था वहां पे जंतर मंतर पे हम लोग किए थे 11 दिसंबर को, तो 11 दिसंबर को उतना ज्यादा कुछ हुआ नहीं। फिर हम लोग कुछ मेरे साथी सब गए थे 26 दिसंबर को, फिर गए थे तो वहां पे कुछ वहाँ बात हुआ, मंत्री रेलवे मंत्री के आवास पे गए हुए थे सब आदमी, और वहां से बात करके यहाँ बेंगलोर में सर के पास कॉल करवाए थे, और भी बहुत कुछ हुआ जो ताकि, और फिर अब जाके पैनल तो छह जनवरी को पैनल है ना, 6 जनवरी को डायवर्सन के लिए ईमेल आया। डायवर्जन क्या होता है, मतलब कि जो दूसरे जोन में जहाँ पर सीनियर CCTC का जो पोस्ट खाली है लेवल 3 का, ठीक है, उस जोन में मतलब भरा जाएगा, इस जोन में जो जिसका सिलेक्शन हुआ उसको
बेंगलोर जोन से दूसरे जोन में, जिसमें कि सेंट्रल रेलवे मुंबई था और ईआर ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, तो ये दोनों जोन मतलब दो मिला के 350 आदमी को वहां पे डायवर्जन किया गया सीसीटीसी का, ठीक है। तो ये मतलब बहुत राशि का बात है कि यार एक बार करवा लो, फिर सीट नहीं है बोल के वेट करवाते रहो, और सीट नहीं है ऐसे बोला गया था शुरू में, स्टार्टिंग में तो ये बोला कि सीट नहीं है, जैसे जैसे खाली होगा वैसे वैसे बुलाएंगे। ये क्या है भाई, इतना दिन से रुकवा के और फिर अभी जॉब नहीं दे रहे हो। 2019 का सीट, अभी 2024 खत्म होने वाला, स्टार्ट हो गया 24, अब 5 साल हो गया फॉर्म का, नेट टू नेट जनवरी लास्ट में 5 साल हो जाएगा। अब सोच लो आप लोग, एक वैकेंसी को अभी तक 5 साल हो गया और फिर नया वैकेंसी के लिए हम लोग आवाज उठा रहे हैं, जैसे कि आप लोग भी चर्चा कर रहे हैं कि नया वैकेंसी कब आएगा कब आएगा, पिछले वाले को अभी तो कंप्लीट नहीं करवा पा रहे हैं। क्या है, फाइनल आने के बाद इतना इतना दिन तक बैठा देते हैं ये लोग। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि पैनल आने के बाद लोगों को बहुत इतना दिन जो वेट करवा रहे हैं आप लोग, तो ऐसा कीजिए ना कि पैनल आने के बाद आप लोग हाफ सैलरी देते रहिए, स्टूडेंट्स को बैठवाने का कोई मतलब नहीं है, आप तब खुद बुला लेंगे, जल्दी बुलवाइएगा। नहीं तो ऐसे में क्या होता है, स्टूडेंट घर पे है इस इंतजार में कि ज्वाइनिंग आएगा, और इतना लेट करवाते हो, एक एक साल तक वेट करवाते हो। ऐसे के फर्स्ट पैनल जो आया था ना हम लोग का, 24 फरवरी को आया था, मेरा तो थर्ड फाइनल में हुआ था, 24 फरवरी वाले को एक महीना एक साल तो हो गया, अभी तक वो लोग भी वेट कर रहे थे, किसी का भी नहीं, मतलब बहुत लगभग 50 से 60 आदमी का ही हुआ था। अब तो पता नहीं, अब मेल आ गया है, ज्वाइनिंग जो आरआरबी मुजफ्फरपुर में जो सॉरी आरआरबी बेंगलोर में जो ज्वाइनिंग हुआ मात्र 70-75 सीसीटीसी का हुआ है, बाकी लोगों का डायवर्जन कर रहा है 350 आदमी का, बाकी और धीरे धीरे शायद करेगा ज्वाइनिंग उधर, और 350 का जो डायवर्जन कर रहा है उसमें भी पता नहीं कितना दिन लगेगा। अभी 6 जनवरी को उसके लिए मेल किया है और उसके लिए कुछ टाइम दिया गया, तो पता नहीं कब तक होगा। बाकी जो इतना दिन फाइनल आने के बाद वेट करवाता है, 5 साल का जो वैकेंसी है, एक वैकेंसी को क्लियर करने में 5 साल लगा देता है, ये बहुत गड़बड़ बात है। अभी रोजगार मेला करके जो चल रहा है उसमें अभी ज्वाइनिंग दे रहा है, तो बहुत मतलब ये लग रहा है आदमी को, स्टूडेंट जैसे लग रहा है 5 साल अपना जो अपना मेन जिसमें मतलब सबसे प्रोडक्टिव ईयर्स है हम लोगों का 20 से 25 ईयर्स, इसमें लोग अपना 5 साल एक जॉब के लिए प्रिपरेशन के लिए दे रहा है, ऐसे में तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा ना। जिसके लिए एक साल का लिए पढ़ने के लिए पैसा है वो क्या करेगा भाई, तो ये बहुत गड़बड़ व्यवस्था है। बाकी तो खैर ये अलग बात है, अब इसको हम छोड़ते हैं, और बस यही बोलना था कि जो है इनका ज्वाइनिंग अभी तक हुआ नहीं है, ये लोग वेट ही कर रहे हैं, और फिलहाल मेरा भी वही टेस्ट चल रहा है, अभी 3 मंथ मेरा भी होने वाला है फाइनल का, और अभी तक तो अभी मतलब जो है सो नहीं आया है, बाकी हम तो जाके भी पता कर लेते हैं, कर लेंगे, अभी तो खैर अभी पता नहीं किए हैं कि क्यों नहीं आ रहा है। हो सकता है अभी हमारा एक्चुअली क्या है 47 सीट था मेरे जोन में, ठीक है, क्लर्क का, उसमें से 45 का ज्वाइनिंग हो चुका है, दो ही बचे हैं हम और एक लड़का बचा हुआ है, तो शायद टाइम लगेगा थोड़ा, बाकी देखते हैं कि कब तक ज्वाइनिंग होता है, होगा तो आप लोगों को अपडेट देते रहेंगे। चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।